हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इस स्टॉक का नाम मुझे कमेंट में मिला, मैंने कल सीईएसएस लिमिटेड के बारे में जो शेयर्स के बारे में न्यूज बनाई थी उसमें मेरे को एक कमेंट मिला कि आसियाना इस्पात लिमिटेड के बारे में सर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, पूरा डिटेल एनालिसिस बनाइए। वैसे मैं पेनी स्टॉक में पहले वीडियो नहीं बनाता था, बट मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं डेली एक पेनी स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके प्रोज कॉन्स सब कुछ बताऊंगा डिटेल्ड वे में, साथ में जो बुक वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है वो भी आपको डिस्कस करके पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्वेरी अगर कुछ भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। तीसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो चलिए आ जाते हैं सीधे यहाँ पर, स्क्रीनर की वेबसाइट पर आपको लेकर के आऊंगा और इस कंपनी के एक-एक बारे में चीज बताऊंगा। इस्पात का मतलब आपको पता होगा, ओर से रिलेटेड चीज होता है, हिंदी में इस्पात बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले कंपनी करती क्या है। आसियाना इस्पात लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। इट इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील टीएमटी बार यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। इट हैज द रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड इन रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान। ये राजस्थान की कंपनी है। और दूसरी बात ये बता दो कि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, टॉप नॉच का सेगमेंट है। चाहे कितना भी रिसेशन आए, कितनी भी इकोनॉमी डूब जाए, जब हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन से पहले, जब हम लोग 12th में मेरा साइंस था, तो पता है सब लोग मेरे को ये रिकमेंड कर रहे थे कि बेटा, मतलब मैं तो साइंस सेगमेंट में नहीं गया, कॉमर्स में चला गया, लेकिन सब लोग मेरे से बोल रहे थे बेटा इंजीनियरिंग कर लो, इससे बीटेक कर लो सिविल से। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा, रोड कंस्ट्रक्शन ये सारे काम कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं, और जितना कम जमीन होगा उतने ज्यादा इसकी डिमांड होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिमांड होगी। तो उस टाइप की ये सेगमेंट में है, काफी अच्छी है। अगर बात करें की पॉइंट की, तो ऑल स्पेशलाइजेस इन टर्बो टीएमटी बार रैंगिंग फ्रॉम 8 mm। यानी अब ये सब हमारे लिए जानकारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पूरा बता दिया, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने अपग्रेडेशन किया, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया ये क्या करते हैं, फेरस यानी आयरन, इन सब चीजों में इनका डील है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक एक चीज आपको फाइनेंशियल्स में बताऊंगा। तो पहले बता देता हूँ मार्केट कैप 19 करोड़ का है, बहुत ही छोटा माइक्रो कैप, मतलब आप मान के चल सकते हो कि इसमें 19 लोग अगर मिल जाए अच्छे अच्छे और ज्वाइंट हैंड कर लें तो आराम से स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकते हैं और रिटेल को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे देखें तो 24 रुपए, लगभग 23 रुपए 90 पैसे लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ है। आज 52 वीक हाई की बात करें तो 27 रुपए 80 पैसे, 52 वीक लो की बात करें तो 9 रुपए, 9 रुपए से 27 रुपए गया, यानी लगभग 3 गुना इस स्टॉक हो चुका है। बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक की पीई जो है 13 के प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कंपनी जो अपने प्राइस पे जहां है वो एकदम डिजर्विंग प्राइस पे है, महंगी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज को देख के क्या हम घुस जाए, तो उसके लिए बाकी और पॉइंटर्स पे हम यहाँ पे नजर डालेंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो 42 रुपीज 30 पैसे है, ठीक है, 42.5 रुपए यहाँ पे आपको बुक वैल्यू मिल रहा है, जो कि अगर 19 ये 23 रुपए से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग इसको दुगना होना पड़ेगा, तब जाके ये अभी भी यहाँ पे दुगने होने का एक रूम बचा हुआ है। लेकिन ये जो सस्ता नशा होता है लोग कर लेते हैं बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू एक सस्ती नशा है, पूछो क्यों। ये बुक वैल्यू पता है किस लिए रखा जाता है, कि अगर सब कुछ की नीलामी होगी, जब इस कंपनी की नीलामी होगी तब जाके ये बुक वैल्यू काम आएगा। मान लीजिए कंपनी की नीलामी नहीं होती है तो ये बुक वैल्यू धरा का धरा रहेगा, स्टॉक लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड करता रहेगा। लेकिन ये एक नेगेटिव सेंस में मैं बात बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस ये है कि कम से कम तो इतना ये प्राइस जाएगा, इतना डिजर्व ये करता है, ठीक है। तो दोनों बात मैंने आपको बता दी। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करो तो 6.45 है, जैसे एक पैनी स्टॉक्स का होना चाहिए वैसा है। बात करें यहाँ पे आरओई की, तो आप देख सकते हो 3.56 है रिटर्न ऑन इक्विटी। बात करें यहाँ पे फेस वैल्यू की, तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट थोड़ा सा यहाँ पे
ज्यादा है, लगभग लगभग 2 टाइम्स है, तो ये एक थोड़ा सा सतर्क होने वाला पॉइंट हो जाता है। बाकी जो स्टॉक की अर्निंग वगैरह है वो ठीक ठाक, अर्निंग विजिबिलिटी ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हो 2018 में जो 107 करोड़ की इनकम, इनकी टर्नओवर थी, वो लगभग लगभग मतलब सेल्स वो लगभग लगभग 123 करोड़ हो गई। फिर जाके 2019 में गिर जाती है, जून 2019 में, फिर सितंबर 2019 में और गिरती है, दिसंबर 2019 में फिर से गिरती है, और फिर यहां से एक और टर्न अराउंड आता है मार्च 2020 में, फिर से गिरती है, जून 2020 में ये गिरते गिरते 28 करोड़ हो जाती है, वहां से एक रिवाइवल आता है और सितंबर 2020 में हो जाता है 62 करोड़, वहीं देखें दिसंबर 2020 में तो 94 करोड़, यानी यहां से एक अप मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जो कि सितंबर 2021 आते आते 117 करोड़ का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है, सेल्स इनकी बढ़ती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग लगभग 2.52% है, जो कि एक पुअर डेटा है, बट एक पैनी स्टॉक्स के मतलब हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी एक अच्छा मान सकते हैं। बात करें वहीं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की, तो लगभग लगभग जो 50 पैसे का अर्निंग्स पर शेयर थी वो घट के हो गई है अभी 0.16, यानी कि इस स्टॉक को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो अर्निंग पर शेयर है, क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर, वो कम से कम लगभग लगभग 50 पैसे के आसपास होनी चाहिए, जो सितंबर क्वार्टर में थी, इस जून क्वार्टर में थी। इसी की वजह से जून क्वार्टर में अगर आप प्राइस भी देखोगे इस स्टॉक का, आपको दिखाना चाहूंगा, जून क्वार्टर में इस स्टॉक की प्राइस लगभग लगभग आप देखोगे तो लगभग लगभग 20 के आसपास थी, यानी सबसे टॉप में थी उस टाइम, फिर नीचे आ गया स्टॉक और फिर से फिर ऊपर गया ये। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, मतलब रिजल्ट अच्छा है, फिर सेप्टेम्बर क्वार्टर में देख लो कहाँ चला गया स्टॉक, सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट पुअर आया और स्टॉक नीचे गिर गया, फिर अभी भी इससे एक अच्छी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है मार्केट। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैश फ्लोज की हम बात करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे सीएजीआर की बात करेंगे। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 ईयर में 1% का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 85% है, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में इन्होंने सेल्स को काफी अच्छे से ध्यान दिया। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 112% है, लेकिन वहीं अगर पिछले 3 ईयर की देखें तो लगभग -31% है, और वहीं अगर बात करें 5 ईयर की तो 12% है। तो काफी मतलब ये सेक्टोरल बिजनेस है, पता है आपको, जो भी मेटल सेगमेंट है, कॉमोडिटी सेगमेंट, थोड़ा सा सेक्टोरल साइकिल्स में हो जाता है, तो अभी इनको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा था पिछले कई सालों में, अभी इन्होंने लाइक यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी ठीक ठाक है, 126% ट्रेलिंग 12 मंथ है, अगर वहीं बात करें यहाँ पे 3 ईयर की तो -6%, 5 ईयर की बात करें तो 8%, वहीं बात करें 10 ईयर की तो 6%। अब आते हैं नीचे, हम लोग देखेंगे कुछ रेशियोज, रेशियोज के लिए आपको नीचे लाऊंगा। कैश फ्लो की बात करें हम लोग तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 8 करोड़ है अभी, यानी कि जो इन्होंने सेल्स दिखा रखा है वहां पे, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, वो थोड़ा सा मुझे डाइसी सा लग रहा है, ठीक है, जो भी लोग मुझे बोले हैं इस पे वीडियो बनाने के लिए, इससे मैं क्लियर ओपिनियन दे रहा हूँ। यहाँ पे 117 करोड़ का सेल्स होता है, और जिसमें से आप देख सकते हो मार्च 2021 से पहले, यहाँ पे देखना चाहूंगा आपको प्रॉफिट कहाँ से, ईयर वाइज, हाँ 295 करोड़ का आपने यहाँ पे सेल्स दिखाया, और मात्र आपके पास कैश फ्लो कितना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मात्र 8 करोड़। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेट कैश फ्लो यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव में ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब बात करें डेटर डेज की, तो डेटर डेज जो 47 डेज था, यानी डेटर से जो हमारे पैसे आने थे, जो हम लोग डेटर नोट करते हैं, वो 104 दिन हो गया, जो कि सीधे सीधे डाइसी लग रहा है इनके कैश फ्लोज के हिसाब से। अब बात करते हैं होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है, क्योंकि अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास टोटल 42% शेयर होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर, और लगभग लगभग अगर बात करें पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25% का है और अदर के पास 33% का, यानी रिटेल पार्टिसिपेंट इसमें ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप संभल करिएगा, क्या हम इस स्टॉक में मूव ले सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर रियल में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना था, अगर आप सच में मार्केट में आए हो 1 लाख इन्वेस्ट करने, तो इस स्टॉक में अगर आप सच में 1 लाख इन्वेस्ट करने आए थे मार्केट में, तो आप मात्र और मात्र 5% इस स्टॉक में लगाओ, यानी 5,000 लगा के छोड़ दो, भूल जाओ, और वो भी अभी नहीं, जब इसमें लोअर सर्किट का गेम चल ही रहा है, तो एक दो लोअर सर्किट और लगने दो। अब टेक्निकल पैटर्न पैरामीटर बता दूं, जब तक ये 19 के लेवल को टच ना कर दे, 19 रुपए 46 पैसे या 20 रुपए के आसपास, तब तक इस स्टॉक में एंट्री मत लेना। क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे है
₹23.05 का अगर सपोर्ट ही ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको ₹19 के लेवल पे एंट्री लेनी है, ₹19.50 के आसपास, और फिर वहां से शांत बैठ के छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपने बुक वैल्यू तक भी जाएगा तो आपको 5 का 10 होगा, कोई लॉस की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।